हेलो एवरीवन, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करें। जैसे यहाँ देखिए, ये एक्सेल में एक वर्कशीट है और यहाँ पर मैंने एक शीट तैयार किया है। स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ और मुझे आशंका है कि कोई मेरा फ्रेंड्स या मेरा कलीग ही जब बैठेगा सिस्टम पर और इसे खोल कर देखेगा तो मार्क्स में वो छेड़छाड़ कर सकता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये एक्सेल में जो ऊपर में जो देख रहे हैं मेनू बार, इस मेनू बार में आप क्लिक करेंगे रिव्यू, और रिव्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रिबन बार है और इसी रिबन बार पर आप देखिए यह रहा आपका प्रोटेक्ट शीट। आप क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट को से क्या होगा, कोई भी अनवांटेड अब इसमें चेंज नहीं कर सकता। चलिए अब यहाँ पर एक पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड दे दीजिए जो कि आपको याद रहे। तो मैं एक पासवर्ड छोटा सा दे देता हूँ, ओके, जो मुझे याद रहे, और उसके बाद ओके में क्लिक किया और फिर री इंटर पासवर्ड। सेम पासवर्ड दिया जाता है ताकि आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि आप कहीं भुला तो नहीं गए दोबारा में ही, ओके। और ये अब हमारा प्रोटेक्ट हो गया। अब देखिए 8.2 को मैं 9 करना चाहता हूँ तो ये देखिए एरर आ गया, द सेल और चार्ट यू आर टाइप ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, या प्रोटेक्टेड शीट है, अब ये चेंज नहीं आप कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर देखिए मैं इसे खोलता हूँ या कोई और मेरा दोस्त खोलेगा और इसमें चेंज करना चाहता आया और वो चेंज करना चाह रहा है 9.4 को 10 करना चाह रहा है, नहीं होगा। वो कहीं भी कुछ भी करना चाहेगा नहीं होगा। अब इसमें वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कहीं भी कुछ भी टाइपिंग नहीं होंगे। तो वो तो मेरा ये सीट प्रोटेक्ट हो गया। इस तरह से आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पुनः इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन हटाने के लिए पूरा रिव्यू में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम वो पासवर्ड डालेंगे जो मैंने जिससे मैंने प्रोटेक्ट किया है, ओके बटन दाबेंगे। अब यह अनप्रोटेक्ट हो गया, अब इसमें मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। देखिए 10, 3 है ना, चेंज हो गया ना, सब कुछ चेंज हो सकता है। अब आप ये चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।